तो बच्चे ये रहा आपका BBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन, BBA BCOM एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया का, पेपर कोड आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये आपका पेपर सेट है बी। ओके तो इसकी फटाफट आंसर की देख लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट में आंसर बताएंगे हम, इवन क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे ताकि आप फटाफट मैच कर सकें। पार्ट ए आपने देख लिया होगा ऑलरेडी, हमने उसमें आई थिंक 54 क्वेश्चंस ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं और 100% एक्यूरेट आंसर्स हैं, तो आप आँख बंद करके उनको मैच करिए और बताइए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कट ऑफ कितनी इसकी रह सकती है, कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, पेपर कैसा था ये ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या टेलीग्राम चैनल में, ज़्यादा अच्छा रहेगा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें क्योंकि कम्युनिकेशन बड़ी आसानी होती है। ओके अदरवाइज़ हम आप लोगों के आंसर का जवाब, सवालों का जवाब नहीं दे पाते, आंसर नहीं कर पाते। ओके तो हम चलते हैं सवाल नंबर 54, आई थिंक 53 तो हमने आंसर कर दिए थे। ओके 54 हमने आंसर कर दिया, 55 पे चलते हैं। देखिए कहता है कि एन प्रोटीन किससे रिलेटेड है, कोरोना वायरस से रिलेटेड है। उसके बाद 56 वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज दे, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये सही होगा 56 का। ओके उसके बाद हम चलते हैं फाइंड द ऑड वन आउट, तो 1, 5, 14, 30 और ये सब है दिया हुआ, देखिए कैसे आप इसमें से निकालेंगे, तो 1, 4, 5 और 4। ओके तो हर बार एक स्क्वायर ऐड करते चले जाओ, 1 में 4 ऐड करो तो 5 आ जाएगा, 5 में 9 ऐड करो, 16 ऐड करो और 30 में फिर उसके बाद 25 ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे 30 में 25 आप ऐड करोगे तो 55 होना चाहिए, 50 यहाँ पे गलत होना चाहिए। ओके अगला सवाल देखते हैं, टुडे इज थर्सडे, द डे आफ्टर 59 डेज वुड बी संडे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज 59 हमें नहीं आ रहा, इस सवाल को आप नोट कर लेना, हमें जैसे टाइम मिलेगा हम फॉरन से देख करके आपको बताएंगे, अभी तो हम फटाफट आंसर बता रहे हैं विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चन। ओके 60 नंबर देखिए, द मेन केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इज CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनमें फ्रियोन्स की बात भी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था। वेन इज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, तो 5 जून को मनाते हैं। ओके उसके बाद हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेटअप इन 1948, तो ये थे एस राधाकृष्णन। ओके उसके बाद हु विच इज इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट टू रिकॉर्ड 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन, तो बड़े जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें कौन सा पहला था, तो ये हुआ तेलंगाना। उसके बाद हम चलते हैं 64 पे 64, ये जो 2% डिफर बाय 16 ईयर्स, इफ 6 ईयर्स एगो द ऑल्डर एल्डर वन बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन, फाइंड द देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी, प्रेजेंट एजेस उनकी हो जाएंगी 14 and 30 ईयर्स। ओके होल्ड ऑन, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। उसके बाद चलते हैं अगला, फिर से एक मैथमेटिक्स का सवाल है 65 का, और ये डी आंसर इसका 24 हो जाएगा, फटाफट आंसर कर रहे हैं। ओके डिटेल में आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा, कट ऑफ का वीडियो देखना मत भूलना। 66 देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आएगा आपका सी, और 67 में आप देखेंगे इसका आंसर आएगा बी, यूनेस्को, द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज असाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके उसके बाद 7 देखिए, आउट ऑफ द 7 consonants and 4 vowels हाउ मेनी वर्ड 3 consonants and 4 vowels कैन बी फॉर्म्ड, तो 210 आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। एक्स 80% ऑफ वाई, एक्स इज द 80% ऑफ वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज वाई, तो इसका आंसर होगा आपका 62.5। ओके उसके बाद 70 पे चलते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद फिश फार्मिंग, मछली पालन। उसके बाद वन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड, द 26 जनवरी 1950, हालांकि इसके बहुत सारे प्रोविजन पहले ही इंप्लीमेंट हो चुके थे। 72 ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ विट्टी, विट्टी का सिनोनिम क्या होगा, तो ये होगा आपका ह्यूमरस। ओके उसके बाद चेंज द फॉलोइंग इन टू पैसिव वॉइस, ही हैज हेल्प दीज चिल्ड्रन, तो दीज चिल्ड्रन हैव बीन हेल्प बाय हिम, पहला आंसर बिल्कुल सही है। ओके उसके बाद अगला 75 फिल इन द ब्लैंक, ही रश्ड इन टू माई रूम पेंटिंग फॉर ब्रेथ, इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 76 पे चलते हैं, फाइंड आउट द
लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट एक्जैक्टली डिवाइड बाय 12 दिस दिस एंड दिस, ओके इनसे डिविजिबल भी होना चाहिए, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर होना चाहिए, तो ये होगा आपका पहला नंबर 9720। और उसके बाद हम चलते हैं, यू कैन डू ए सर्टेन पीस जॉब इन 12 डेज। अच्छा सब मैथमेटिक्स के सवाल हैं, फटाफट ऐसे ही आंसर कर दे रहे हैं। तो 15 बाई 2 डेज 78, देखिए इसका आंसर होगा आपका पहला 6, और उसके बाद 79। इंडिया इन्वेंटेड द नंबर सिस्टम, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द 0, आर्यभट्ट। ओके 80, देखिए 80 का आंसर होगा आपका बी। 81 ये आंसर होगा तिरुपति। 82 आंसर वुड बी सी, 1365। 83 आंसर वुड बी सी अगेन। 84 सीरीज दी हुई है, यहाँ पर पहचानना है हमें कि अगला नंबर कौन सा होगा, तो 84 का आपका आंसर होगा 0। और उसके बाद 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इन वाटर कॉजेज द ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो इसका आंसर होगा नाइट्रेट, ऑप्शन डी। ओके हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू रीच 100 ओडीआई विकेट, तो यहाँ पर जसमीत बुमराह और मोहम्मद शमी दोनों थे, मोहम्मद शमी ने कहीं पहले एक मैच पहले ही 56 मैचेस में ये अचीवमेंट हासिल कर लिया था, और जसप्रीत ने 57 में। तो आई थिंक मोहम्मद शमी इज इवन बेटर ऑप्शन, हालांकि दोनों ऑप्शन ही सही हैं, देखते हैं जामे क्या करता है। 87 देखिए, 87 का आंसर आपका क्या होगा, सी। ओके विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 5G मोबाइल नेटवर्क, जापान, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके और उसके बाद आई थिंक इट शुड बी जापान, हो सकता साउथ कोरिया भी हो, इसका एक बार देख लेना। 89 डी इसका आंसर होगा। 90 की बात करिए, आर्टिकल 56 क्या होता है, 356 होता है प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेजिडेंस रूल इन स्टेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 91 चेंज द फॉलोइंग इन टू पैसिव वॉइस, ओपन द डोर लेट द डोर बी ओपनड, बी ओवल शेप सर्कल से रिलेटेड है तो रेक्टेंगल स्क्वायर से रिलेटेड होगा। उसके बाद फाइंड द ऑड वन आउट, बेहद आसान से सवाल लग रहे हैं ये, दो चार सवाल छोड़कर बाकी स्टैंडर्ड सवाल नहीं है, कॉपी पेस्ट किया हुआ नेट से सवाल ये सब। 93 का आंसर आपका होगा ब्रश, यस ब्रश का कोई लिंक नहीं है। ओके अच्छा, ए के बाद जेड आएगा, बी के बाद वाई, सी के बाद एक्स, तो डी के बाद डब्लू। 95 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम मेक्स डक्स एंड ट्रैक्स ऑफ, तो इसका आंसर होगा टू वेस्ट समथिंग रेकलेसली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद 96, 96 का आपका पहला आंसर सही होगा, ब्लड रिलेशन का सवाल है। 97 देखिए, 97 का सीधा आंसर कर देते हैं, डायरेक्शन का सवाल है, हमारी ट्रिक देख लेना, इस पर एक भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। 98 फिल इन द ब्लैंक्स, और आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। ओके उसके बाद कलर, अगर आई से रिलेटेड, आई से पहचानते हैं तो हम फ्रेग्रेंस किससे पहचानते हैं, नोज से। और 100 देखिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, तो इसका इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ए प्लस बी माइनस बी आता है, और इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2400, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आई थिंक पूरे 98 सवाल हमने आंसर किए हैं विद 100% एक्यूरेसी। ओके 100% एक्यूरेसी, आप फटाफट आंसर करिए, बताइए कितना आपका स्कोर रहा और पेपर का लेवल आपको कैसा लगा लास्ट ईयर के मुकाबले, और फिर उसके बाद हम कट ऑफ फटाफट आपको बताते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।